गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून अमर, अरमनदीप, शेखर, पल्लवी, साइबर ह्यूमन, पीयूष, भूमिका, सोनरस, करण, उदिति सिंह, महक बांसल, गुड आफ्टरनून दोज हु आर न्यू टुडे, प्लीज टाइप इन न्यू गाइस. सो वेलकम टू दिस चैनल एंड आई एम सोनी गोयल. आई विल बी टेकिंग यू थ्रू दिस क्लास ऑन लाइन चार्ट्स एंड दिस इज आवर फोर्थ क्लास, इन फैक्ट फिफ्थ क्लास इन सीरीज ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन क्लास. इन दिस क्लास वी विल बी लर्निंग हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लाइन ग्राफ एंड आफ्टर दैट वी विल बी solving some questions, practice questions, and then probably you can go and prepare for your practice it online on the app. ऐप पे जाके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. और आज की क्लास के बाद एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं. हाउ यू कैन रियली गो हैड एंड सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर देयर, विच यू कैन गेट इट फ्रॉम राइट. जो आपका ये है, इस पे ये क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हैं. So guys, we will start with this class. Before that, if you have not seen this class pie chart which was broadcasted last week, please do so. ये class देख लीजिए आप, अगर आपने ये class नहीं देखी है, right? और इसके पहले मैंने bar graph पे एक class लिया था, right? Again, this is the handling various type of questions in bar graph, right? उसके related था ये सारा graph जो था अपना. और उसके पहले जो मैंने क्लास लिया, राइट, वो था टेबल के ऊपर, राइट, टेबुलर डाटा के ऊपर क्लास लिया. और उससे सबसे पहले जो बेसिक क्लास सबका है, जो हमारा दैट वाज इंट्रो टू कैट एंड डीआईएलआर और बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते कर सकते हैं, ये क्लास आपको सब जगह बहुत काम आएगी. क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने काफ़ी शॉर्टकट्स और ट्रिक्स की बात की थी, जिन शॉर्टकट्स और ट्रिक्स को लेके आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजियर और फास्टर हो सकता है. उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट यू कैन प्रॉब्ली गेट अ वेरी गुड यू नो आउट ऑफ दैट, राइट. सो गाइज, मूविंग अहेड, this was the very first intro class where I have talked about how you can plan your journey for DILR. कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं CAT को लेके, specially DILR section. आधे पौने घंटे का वीडियो है ये, लाइव है ये वीडियो, इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा DILR में होता क्या क्या है, क्या क्या उसका सिलेबस है, कैसे उसको कर सकते हैं. और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सो, बिकॉज इस चैनल पर आपको मिल रहा है 200 hours. Guys, 200 hours live CAT classes plus 10,000 plus questions, right? 10,000 plus questions, and it is all because of your love and affection. This channel is growing very fast, and I hope you are learning a lot. आपको बहुत फायदा हो रहा होगा भाई, तो इसीलिए हम आज की क्लास पे चलते हैं, जो कि आज की ऐसे हमारी फिफ्थ क्लास है, लाइन एंड पाई, लाइन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो हम करेंगे. 1, 2, 3, 4 आप देख पा रहे हैं, वो चार क्लास आप कर लेंगे तो बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, राइट. तो बाद में जब भी टाइम मिलता है आपको, इसी सीरीज़ में हैं ये क्लासेस. सो दिस विल टेक यू एट अ वेरी गुड पोजीशन अबाउट DILR. 16 क्लासेस मैंने लेवल वन में करानी है, 16 क्लासेस लेवल टू में, ये 8 क्लासेस ऑन DILR, एंड देन वी विल हैव 8 क्लासेस ऑफ योर्स ऑन योर लॉजिकल रीजनिंग, राइट. फिर उसके बाद मैं आपको 16 क्लासेस कराऊंगा विच विल बी हाई लेवल ऑफ DILR, विच इज स्पेसिफिकली केटरिंग टू कैट लेवल क्वेश्चन, एंड देयर विल बी अल्टीमेटली 8 DILR चैलेंज सीरीज क्लासेस. दिस क्लासेस विल हेल्प यू, यू नो, रियली टैकल कैट क्वेश्चंस. अभी भी कुछ कुछ उसके सैम्पल वीडियोस पड़े हैं, बट वो सारे नहीं होंगे, एक दो वीडियोस ही मिलेंगी आपको इसके ऊपर. बट ये वाला जो है, इस साल नया वाला बनाया जाएगा 2020 के लिए, सो दोज वीडियोस यू कैन वॉच. 2019 वाले भी आप देख सकते हैं, और ये वीडियो खास करके कैट DILR के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. दिस इज़ ए कम्प्लीट कोर्स ऑफ 200 hours. सो स्टार्टिंग विद दिस, वी हैव 5 चार्ट टाइप ऑफ चार्ट्स ब्रॉडली, पाई, and then we have your you know line which we'll be doing today, bar and table, and then comes the mixed chart or the chart based on slightly different type of graphs like spider web, right, cumulative graph. ye hum next class mein karenge, usko acche tarike se next class mein khol denge. so let's start with the first question in your line chart. to sabse pehle ye main aapko mota mota theory bata dun ki aap line chart mein kya kya aapko karna hai, kaise आप कर सकते हैं.
तो लाइन चार्ट इतने में आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस एज द वैल्यूज ऑफ समथिंग, इट इज यूज्ड फॉर ग्रोथ। ये जो ग्राफ है ये ग्रोथ के लिए यूज होता है। तो फॉलोइंग फिगर गिव्स द एवरेज मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन ओवर सिक्स ईयर्स। छः साल में उसका इनकम कितना है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, वो दिया हुआ है। सो अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, इट्स ए फर्स्ट इज अ वेरी सिंपल वेयर यू कैन जस्ट ऑब्जर्व डायरेक्टली फ्रॉम इट। इट सेज इन 1998, सो वील गो टू 98, हाउ मच डिड पर्सन्स सेविंग गेट डिप्लीटेड। सो बंदे की जो सेविंग है वो कितनी कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि उसको लॉस होगा। तो बिकॉज इज एक्सपेंडिचर इज 919200 और सेविंग्स 18500, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 700 रुपया नुकसान हो जाएगा, राइट। तो जो 700 आंसर है ये सबसे ज़्यादा गलत दिया जाने वाला जवाब है। देखो सब लोगों ने दिया ना 700, सबका गलत हो गया, राइट, सबका गलत हो गया भाई। जिस जिसने भी 700 लिखा है ना सबका गलत हो गया। जैसे हमारा अरमान दीप है, इसका गलत हो गया पहला आंसर, राइट। गुरदीप सिंह का गलत हो गया, हाँ, आकृति गुप्ता का गलत हो गया, बुशरा जामिल का गलत हो गया, हाँ, सबका गलत हो गया। देखो क्यों गलत हो गया, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एवरेज मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये पूरे साल का पूछ रहा है 98 का, तो भाई 12 से गुना कौन करेगा, सो 8400 शुड बी द आंसर। समझ आया, मज़ा आया ना, सबको लगा था ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो हम बड़े आराम से कर देंगे और नथिंग टू वरी अबाउट इट। हाँ अब पता चला नहीं कि आप कितने इजी क्वेश्चन को भी गलत कर दिया आपने। ओके, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन बिटवीन 1995 एंड 2006, एवरेज इंक्रीज। सो 1995 ये आ गया, 2000 ये आ गया। अब भैया हमें नहीं पता कि ये हमें एवरेज एनुअल इंक्रीज पूछ रहा है, जिसको हम आगर बोलते हैं, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट पूछ रहा है, या हमसे CAGR पूछ रहा है, विच इज कम्युलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, राइट। सो इट इज देइंग एवरेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन, सो इट इज एवरेज ऑफ द इंक्रीज। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड द इंक्रीज फॉर ईच ऑफ द ईयर and then find average of it. Are you getting it? Then find average of it, right? Average increase of every year. So, or we can straight away find the total increase. Total increase is 66,000, right? So 66,000 divide by, right, 1, 2, 3, 4, right? Divide by 11,000, right? Into 100. तो ये 60% इंक्रीज आ गया है, दिस इंक्रीज इज 60%। तो अगर हम इसको 60% को इंक्रीज को देखेंगे तो 60% जो इंक्रीज है हमारा वो 5 टेन्योर्स में हुआ, 5 पीरियड में हुआ, डिवाइड बाय 5, 12% आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। बट ये 12% हमारा आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि जो उसने पूछा है ये सबसे ज़्यादा गलत दिया जाने वाला जवाब है ये भी, क्योंकि उसने पूछा एवरेज इंक्रीज इन, राइट, मतलब ये नहीं है कि टोटल इंक्रीज ले लिया उसकी एवरेज ले ली, जो इंक्रीज है इंडिविजुअल उन सभी का एवरेज लेना है, राइट। तो यहां से यहां तक कितना इंक्रीज हुआ वो वैल्यू लिखेंगे, राइट। सो हाँ, 6600 डिवाइड बाय 11,000 गुना 100 भी तो करेंगे ना, तो जो वैल्यू आ जाएगा 60% आ गया आपका, ठीक है भाई। तो वो 60% को 12 से डिवाइड कर दिया, बट अगर हम पर ईयर देखेंगे उसके लिए हमें अलग से करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि हम कैसे कर पाते हैं इसको, ठीक है। देखो भाई इंडिविजुअली कैसे देखोगे आप, अब देखिए ये हमारा है 11,000 से 12,600, 11,000 से 12,600 कैसे क्या बनेगा भाई, 11,000 से 12,600 ये हो जाएगा हमारा अराउंड 16,000 आ गया,
16,000 आ गया, तो ये 15% लिख लिया मैंने अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो ये वाला हो गया 1/24 से 1/64, मतलब 38,000 ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, 38,000। सो दिस इज 20%, 20 से भी ज़्यादा हो गया ये, 20 से आ जाएगा 25 और 30 से आ जाएगा 39, तो अप्रोक्सीमेटली 30%, राइट। एंड दिस इंक्रीज इज योर 28, सो 28 जो है 16 का डेढ़ गुना करेंगे 24, 16, 16, 256, 17, 17, 218, तो अप्रोक्सीमेटली 17%, राइट। यहाँ से यहाँ ये डिक्रीज हुआ, अप्रोक्सीमेटली मेरा 22 डिक्रीज हुआ, तो 12% डिक्रीज मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव, राइट। और ये 170 5% 4% इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो भाई टोटल करो कितना हो गया, ये 15 और 30 45 और 21 21 ये आ गया 66, और उसमें से 12 माइनस कर दिया 56 डिवाइड बाय 5, राइट, अप्रोक्सीमेटली 11% आता है, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 10% आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस भी है ना, इसीलिए कम्युलेटिव का थोड़ा सा चक्कर पड़ जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी विल टेक इट, अदरवाइज इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे 1 + R/100 रेज टू पावर, इसका रेज टू पावर कितना कर देंगे n, n कितना है 5, इट शुड बी इक्वल टू जो हमारी वैल्यू आई है विच इज 1.6, ठीक है। बट ये सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, ठीक है ना, वी कैन नॉट सॉल्व दिस इजीली, हालांकि ये उसके पास में ही आएगा, बट फिर भी हम इसको इतना आसानी से जो है सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए जो मैंने ऊपर वाला मेथड करके दिखाया आपको उससे हम कम्युलेटिव इंक्रीज देखेंगे, राइट। सो जो है 1.1 को 1.21 इंटू 1.21 करेंगे तो आप देखिए कितना आ रहा है, अराउंड 61% आता है, ठीक है। रिवर्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि 10% जो कंपाउंड चलेगा फाइव टाइम्स इट विल गिव यू अराउंड 61%, हाँ 61% आ जाएगा, ये 60% आ रहा है, तो कंपाउंड से ये वाला हमारा फंडा, ठीक है। अच्छा, अब इतना कुछ नहीं करना हमने यार, वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस, राइट, वी वॉन्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली, हाँ। तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि नॉर्मली यहाँ से यहाँ हमारा इंक्रीज हो रहा है 60%, अगर ये लीनियर ग्रोथ होता तो 12% एनुअल ग्रोथ रहता था, तो भैया जो हमारा कंपाउंडेड होगा वो इससे कम आएगा, दैट विल बी 10, ठीक है जी। इज इट राइट, इज इट फाइन विद यू ऑल, ओके। तो दोनों क्वेश्चन गलत हो गए सबके, ठीक है। वेलकम टू दोज ऑल, राइट, दोज हु हैव रिसेंटली ज्वाइंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज बिटवीन 96 एंड 98। तो ये एवरेज नहीं पूछा है, इनकम का पूछा है, ये इनकम आ गई, तो 173 से 185 हो गया, 12 इंक्रीज हो गया बेटा जी, 12, ठीक है, कितने पे, 173 पे, तो अप्रोक्सीमेटली 7% आ जाएगा ये, वेरी इजी, राइट, बिकॉज वी हैव टू सी द इंक्रीज ऑफ इनकम। अब ये वाला जो आंसर है, ये कई बार बंदे डी आंसर निकाल देते हैं, क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि 12 बेटा 5 साल है ना, तो 12 आ जाएगा अगर सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट होता, सागर, सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट इज सागर, कागर इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वेयर इज AAGR विच वी कॉल इट इज एज आगर, इट इज ए बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ CAGR, राइट, ओके। नाउ दिस विल बी 7%, वेरी इजी क्वेश्चन, बट इसमें गड़बड़ क्या है, कई लोग इनकम का नहीं लेते, एक्सपेंडिचर का ले जाते हैं, जो कि नीचे वाला पार्ट है, ये वाला एक्सपेंडिचर है, राइट, ये एक्सपेंडिचर में है, तो ये नहीं लेना है, ठीक है।
व्हाट वाज द कम्युलेटिव सेविंग ऑफ द पर्सन ओवर ए पीरियड 1995 से लेके 2000 तक, टोटल सेविंग कितना रहा, मतलब सबका डिफरेंस आ जाएगा और ओवर ए पीरियड, और इसको हमको गुना भी करना होगा क्योंकि ये मंथली है, तो गुना तो इकट्ठा कर देंगे भाई, इधर 3000 रुपया बचा, इधर अप्रोक्सीमेटली 4.7, ठीक है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3000, ठीक है, यहाँ पे -700 रुपये का नुकसान हो गया, तो ये तीनों को मिला के, चारों को मिला के 10000 रुपया बन गया, और 2000 रुपये यहाँ पे 10 और 2 12000 रुपया, और 2500-3500 रुपया यहाँ लगा लीजिए, तो 12000 रुपये यहाँ बना था, 15500 रुपया बन गया, हाँ 15500 रुपया पर मंथ, राइट। तो इसको बेटा 12 से गुना कर देंगे, 12 से जब गुना करेंगे 1,86,000 आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा आपका सबका, आई होप एवरीवन गॉट इट, राइट, बी आंसर आ जाएगा। जयेश चंदानी बोल रहे हैं कि सर एक बार दोबारा कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, आप भी एक बार दोबारा शेयर कर दिया करो जयेश चंदानी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या था बेटा, कि ये इनकम है और ये मेरा नेक्स्ट ईयर का इनकम है, इसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना है, तो 1200 इंक्रीज हुआ ना अपॉन 17300, अब इसका परसेंटेज इंक्रीज निकल जाएगा, 17 का टेबल आना चाहिए आपको, 17 का 10% कितना होता है बेटा, कितना होता है 17 का 10%, 17.3 होता है, राइट, और 17 × 7 119 होता है, तो अगर अगर ये 7% होता तो 119 आ जाता ना, ये 120 है, उसी के हिसाब से 7% आ गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच ईयर इज़ द बेस्ट फॉर द पर्सन इन टर्म्स ऑफ सेविंग एज ए परसेंटेज ऑफ इनकम, कौन से साल में सेविंग एज ए परसेंटेज ऑफ इनकम सबसे अच्छा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 3.5 सेविंग हुआ था और यहाँ पे 2000 अप्रोक्सीमेटली सेविंग हुआ है, तो आप देखो यार कि यहाँ बंदा 11% इन टर्म्स ऑफ इनकम का देखना है, 14000 में से 3000 सेव कर रहा है, मोटा मोटा 20% हो गया, 1/73 में से 4000 अप्रोक्सीमेटली आपका 26% हो गया, ये 20 से भी कम हो गया, यहाँ तो लॉस ही हो रहा है, ये 10% हुआ, ये 15% ही हुआ, तो ऑब्वियसली वी नो दिस वैल्यू इज हाईएस्ट, 1996 में सबसे ज़्यादा सेविंग है एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सेविंग, हालांकि इसकी वैसे भी सबसे ज़्यादा है, बट फिर भी हमें तो भाई बेस के अकॉर्डिंगली देखना होता है, हो सकता था पिछले ईयर में, ठीक है, अगर यहाँ 4 भी हो जाती सेविंग तो इसका परसेंटेज ज़्यादा चला जाता, राइट। सो वी हैव टू सी कि भाई आपका बेस कितना है, और परसेंटेज ऑफ सेविंग देखनी है, ना कि राइट एज ए परसेंटेज ऑफ इनकम, नॉट एज ए टोटल सेविंग्स। खैर फिर भी आंसर हमारा 96 ही आता, राइट, और देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस हैं और 3 ग्राफ हैं, ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दोज हु आर वॉचिंग इट लाइव वो भाई थोड़ा रिकॉर्ड कर लो, पॉज कर लो इसको और फिर सॉल्व करो, और जो लाइव देख रहे हैं वो अपना थोड़ा टेक योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम स्टिल नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम योर साइड, ओके लेट अस सी दिस क्वेश्चन, ये वाला यूएस वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई कितने लोगों ने सही किया, ये हाँ जी। सो अभी क्या दिया हुआ है अपने को, देर आर 3 ग्राफ्स शोन टू अस, द फॉलोइंग 3 ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ 3 डिफरेंट करेंसीज विद रिस्पेक्ट टू द यूएस डॉलर, सो इट इज सेइंग यूएस डॉलर वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर वर्सेस रुपी एंड यूएस डॉलर वर्सेस रिंगेट। सो इफ दिस वैल्यू इज गोइंग अप इट मीन्स द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर इज गोइंग अप एंड द वैल्यू ऑफ रिंगेट इज गोइंग डाउन, and same way we will be able to see it here.
So it means one US dollar is equal to 1.96 Australian dollars here. Here one US dollar is equal to 45.5 rupees, right? So that way we are given to us. Approximately how many ringgits would 12,000 rupees amount in 1993-94 में ये दिया हुआ है. तो एक रुपीज 49 रुपीज का है और एक हमारा 3.99 का है. चलो अप्रॉक्सीमेटली 4 का मान लें. सो 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 49 रुपीज. 1 यूएस डॉलर इज ऑल्सो इक्वल टू 4 रिंगेट. सो फ्रॉम हेयर वी विल से 1 रिंगेट इज इक्वल टू 49/4 रुपीज. 12.5 रुपए का बनता है. तो यहाँ से अगर हम करेंगे 12,000 डिवाइड बाय 49 इनटू 4, है ना, दैट शुड बी 48,000 अपॉन 4,490, ठीक है. सो दैट शुड बी द नंबर ऑफ रिंगेट्स वी विल बी गेटिंग. सो अगर ये 49,000 होता डिवाइड बाय 49 करते तो 1,000 रिंगेट्स आ जाते हमारे, राइट? यस नो, क्योंकि ये 1,000 है तो 1,000 के कम मिलेंगे हमें, ठीक है. नो अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि भाई माई 1 रिंगेट इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज. माई 1 रिंगेट इज इक्वल टू अराउंड 12 रुपीज. सो डिवाइड बाय 12, राइट, अप्रॉक्सीमेटली दिस विल बी योर इट शुड बी, ये भी 3.99 है, 93 और 94 ही ले रहे हैं ना, और 3.99 है, इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, इससे इसका भी वी हैव टू चेंज इट, राइट. चलो देखते हैं, लेट अस गो क्लोजेस्ट. तो ये अराउंड 60-70 रिंगेट्स आ गई है, राइट, 80 लगा लीजिए. सो इससे 1,000 में से 80 माइनस कर दिए, 920 आ गए. बट इट इज़ नॉट यू नो 3.99 नहीं है ये, और बट वी हैव जस्ट टेकन वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन. इससे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. यूएस डॉलर है, रुपी है, सो आंसर शुड कम अराउंड 977 आ रहा है. देर इज सम डाउट इन दिस. 917 आना चाहिए हमारे हिसाब से. कुछ गड़बड़ है क्या? इट शुड बी 917 आई थिंक गाइस, इजंट इट? सिक्स्थ क्वेश्चन का 917 ही आना चाहिए, क्योंकि 3.99 है. सो इट शुडेंट बी देयर. ये ऐसा क्यों गड़बड़ आ रही है? ऑप्शन कोई भी नहीं है, या तो टाइपिंग एरर है इसमें, आइदर देयर इज़ ए टाइपिंग एरर, बिकॉज 12,000 को जब हम 49 से डिवाइड करेंगे और वी विल मल्टीप्लाइड इट बाई 3.99, राइट, सो हम कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, है ना. लेट मी डू इट अगेन, जस्ट समटाइम्स वी मेक मिस्टेक गाइस, नो इशूज. सो वी आर सेइंग 12,000 रुपीज के हमारे कितने रिंगेट आएंगे. 12,000 रुपीज डिवाइड बाई 49 विल बी द नंबर ऑफ व्हाट वी से नंबर ऑफ दिस वी विल बी गेटिंग 12,000 डिवाइड बाई 49 इनटू 4, तो ये हो गया 48,000 अपॉन 49, ठीक है. तो भाई 1,000 तो आ ही गए, 1,000 के डिवाइड कर दो, 1,000 डिवाइड बाई 49 आ गया 0.22. सो इसमें से 22 माइनस कर दिया, 978 के पास में आंसर आया, या 977 इज़ द आंसर. वो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, यहाँ से कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी, ठीक है. वो कई बार शॉर्टकट करने के चक्कर में ना वो टाइपिंग कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है. तो ये 1,000 रुपीज़ के 49 से डिवाइड करना था, वी वर डिवाइडिंग इट बाई 12, हाँ कोई बात नहीं, 1,000 रुपीज़ को 49 से डिवाइड करना था.
क्योंकि अगर 49,000 का होता ये तो 1,000 आते ना, ये 49,000 के होते तो, अगर और 1,000 के कम है तो 1,000 के हमारे कितने बनेंगे भाई, 1,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली उतने कम बन गए डिवाइड बाई 49। दिस इज़ वॉट वी कैन डू इट। दोबारा देख लो ये, वैसे तो देखो अगर कैलकुलेशन वाइज सिंपल करें तो 12,000 डिवाइड बाई 49 इंटू 3.99 दैट शुड बी द आंसर, राइट। ये आपको दे रहा है 48,000 डिवाइड बाई 49। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि भाई इसको 49,000 माइनस 1,000 कर लो, राइट। तो ये 1,000 हो गए और ये अप्रॉक्सीमेटली 20 हो गए, 980-970 आंसर आ गया। ओके, 94 वुड फैच हाउ मेनी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, इतने रुपए के कितने डॉलर मिलेंगे 94.95 में। 94.95 ये रहा 1.99 और 47.5, सो अप्रॉक्सीमेटली 24 रुपए का एक डॉलर हो गया हमारा, राइट। क्योंकि इसको इससे डिवाइड कर देंगे सो इंडियन रुपीज़ और इसमें जो कंपैरिजन आया हमारा 24 रुपए का हमारा डॉलर हो गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 24 से डिवाइड कर देंगे तो 94525 डिवाइड बाय 24, ठीक है। तो ये भैया 4 पे और आई थिंक 44 वाला ये आंसर बन जाना चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है। डिवाइड करके देख लेते हैं एग्जैक्टली कितना आंसर आ रहा है ये, तो क्योंकि 4 पे 96 बनता है, नहीं 96 बन जाए कम आएगा, 3960 आना चाहिए, सो 3960 शुड बी द आंसर। क्योंकि अगर गुना 4 करते हैं, 4,000 लेते हैं इसके डॉलर अप्रॉक्सीमेटली, तो दिस वैल्यू शुड गिव मी 96,000, तो उससे थोड़ा सा कम है। और ये भी एग्जैक्टली 24 नहीं है, ये 23 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, तो 23.75 है, 23.75। हाँ, कैलकुलेटर से करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, बट बिना कैलकुलेटर के करने के लिए आपको जो है आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, वो है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन कैसे किया हमने, हमने किया भाई ये 1.99 का है और ये 47.5 का है, तो वैसे तो 23.75 बनता है अप्रॉक्सीमेटली, बट मैंने 24 ले लिया, अप्रॉक्सीमेटली 1% का एरर मारा इधर, राइट। 1% का एरर हुआ ना, 0.25 का एरर हुआ ना भाई, तो 1% का एरर मारा, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें 1% का ऐड और प्लस माइनस कर देंगे 1%, बट मेरी ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है, तो 94,525 है, तो दिस डिवाइड बाय 24, 24 से डिवाइड कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली 4,000 आ जाएगा, उससे थोड़ा सा कम, तो आंसर आ गया 3.960, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इन एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन US इनटू, ओके, एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन US डॉलर बाय रुपी एंड US डॉलर बाय रिंगेट रेशो ड्यूरिंग द पीरियड 1994 एंड 1995 इन परसेंटेज टर्म्स। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ पूछा है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। राइट, अब ये आ गया डिफरेंस इन एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन, एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन, यहाँ से यहाँ यू डॉलर बाय रुपी ये आ गया, सो ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 2 इंक्रीज हुआ है 45.5 पे US डॉलर और रिंगेट, तो ये 0.02 इंक्रीज हुआ है 3.95 पे, रेशो 91 से लेना यार, सॉरी ये 47 से हुआ है, चेंज हो गया ना, क्योंकि ये 91 से ले रहा है ये चेंज, 91 एंड 90, फर्स्ट ईयर नहीं लेना 91 लेना है, तो ये 0.5 चेंज हुआ 47 पे और ये चेंज हुआ 0.01 नेगेटिव हुआ कितने पे 3.98 पे, ठीक है। सो द डिफरेंस इन एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज, एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज, अब ये देख लेते हैं कितना इंक्रीज है हमारा, ये तो ये 0.5/47 ये हैं कितने साल, 1, 2, 3, 4, 5 सालों में ये 0.5 इंक्रीज हुआ है,
तो इट विल इंक्रीज बाय 0.1 इन वन ईयर, राइट। अगर लगाते हैं सिंपल, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज 1% ऑफ इट, 1% ऑफ इट इज 0.47, सो इट इज मच स्मॉलर देन दैट, सो इट इज 0.26% काइंड ऑफ, एंड दिस बिकम्स ऑलमोस्ट 0%, राइट, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल, इवन इफ इट इज नॉट यू नो मल्टीप्लाइड बाई, ये आ जाएगा फॉर वन ईयर इट विल बी 0.002/3.98 into 100, ठीक है। अब इसको अगर 4 भी एज्यूम कर लें तो ये 25 आ गया, सो द परसेंटेज चेंज इज 0.050, दिस इज द परसेंटेज चेंज, राइट। तो और वो भी माइनस में है, सो यहाँ पे जो आ जाएगा पॉइंट, तो ये 0.21 आ जाएगा या 0.22 आ जाएगा, उसमें ये ऐड कर दिया, मेरे हिसाब से 0.26 आंसर आना चाहिए, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये, काफ़ी कुछ इसमें घुमा के डाला हुआ था, राइट। सो 3.98 से 3.97 आ गया, तो माइनस में आ जाएगा ना यूएस डॉलर और रिंगेट वाला, ठीक है, तो वो ऐड कर देंगे क्योंकि उसका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो ये 2.26 आ गया मेरा आंसर, गॉट इट, क्योंकि पास में भी नहीं है ना यार कोई ऑप्शन, तो नथिंग टू वरी। दोबारा समझा देंगे क्वेश्चन, दोबारा समझा देते हैं, देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूएस डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कंपैरिजन दिया, मतलब अगर आप एक यूएस डॉलर लेते हैं तो 1.96 आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 100 रुपया है, 100 डॉलर है आपके पास यूएस में, तो ऑस्ट्रेलिया में 196 बन जाएंगे उसके, ठीक है। और अगर उल्टा निकालें तो माइनस कर देंगे, तो यूएस के एक डॉलर में कितने रुपये आते हैं वो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुपीज आर देयर इन वन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऐसे हाउ मेनी रिंगेट्स आर देयर इन वन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सो दीज आर इक्वल, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ये भाई इनका खुद का कंपेरिजन आ गया। तो पहला वाला है रिंगेट और रुपी का रिश्ता है, किस ईयर में, 93-4 में, 93-4 में ये 49 है और ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आ गया 3.99, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 रुपये का रिंगेट हो गया, राइट, 12 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो भाई आपका 12 से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा प्लस है, तो 12,000 के कितने आएंगे, 1,000 से थोड़े से कम, तो ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है, फिर आपको देखना होगा कि कितना एक गैप है, कितना एक अप्रोक्सीमेटन करना है, तो वो अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम 12,000 डिवाइड बाय 49 इंटू 3.99, ये अगर 3.99 को 4 मान लें तो बहुत कम अपने घपला किया, 48,000 आ गया, वहाँ से हमने अप्रोक्सीमेशन निकाल दिया। ये हमारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर और रुपी, ठीक है, रुपी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर किस ईयर में, 94 और 95 में, 94 में ऑस्ट्रेलिया, तो ये 2 रुपये का है अप्रोक्सीमेटली, और ये है 47.5, तो 24 आ गया, राइट। अगर ये 96,000 होता तो ये 4,000 लगते हमारे अप्रोक्सीमेटली, उससे थोड़े से कम आएंगे, बाकी कोई आसपास में भी नहीं आंसर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो कि ध्यान से देखने वाला है, वो कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज, डॉलर रुपी का परसेंटेज इंक्रीज निकाल लो, कितना हो गया, 0.5 इंक्रीज किया, कितने पे, 47 के ऊपर, ठीक है, 0.5 इंक्रीज अपॉन 47, क्लियर हो गया जी, 5 सालों में, तो डिवाइड बाय 5 भी हो जाएगा इन 200, ये मेरा आ गया परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एवरेज एनुअल, एवरेज एनुअल परसेंटेज, फिर उसमें से दूसरा माइनस कर देंगे, जो कि आया मेरा 0.01 डिक्रीज हुआ एक्चुअली, ये कितने पे, 3.98 पे, कितने सालों में, 5 सालों में इन 200, इस ये आ गया मेरा अप्रोक्सीमेटली 0.21, माइनस माइनस में आ गया 0.05, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये आ गया 0.26 अप्रोक्सीमेटली। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए जी, इंपोर्ट दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, और अगर माइनस कर देंगे तो सरप्लस आ जाएगा,
हाँ जी बेटा जी, सो इम्पोर्ट ऊपर दिया हुआ, नीचे वाला इम्पोर्ट है और ऊपर वाला एक्सपोर्ट है, ये ध्यान रखना, एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट कम है, ठीक है। अब व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स इन विच ईयर हैज़ द मैक्सिमम इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स ओवर द प्रसीडिंग ईयर, तो जिस साल में मैक्सिमम इंक्रीज है किसका, एक्सपोर्ट का, उस साल में परसेंटेज इंक्रीज इम्पोर्ट बताना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि भाई इस साल में सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट का इंक्रीज़ हुआ है, फ्रॉम 120 टू इट हैज़ बिकम 160, सो इट मीन्स 40 पॉइंट्स हो गया, 33.3% इंक्रीज़ हुआ है। तो इस ईयर में मैक्सिमम इंक्रीज़ है, यहाँ पे ये वैल्यू 90 है और ये वैल्यू 110 आ गई, तो ये 22.22% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि भाई उसी ईयर का किसका इंक्रीज देखना है, इंपोर्ट का, तो ये कितना था 60 70, ये भी 70, ऑलमोस्ट सेम है, तो नन ऑफ दीज आ गया, राइट। ठीक है भाई, डिड यू गेट इट, कि जिस ईयर में एक्सपोर्ट ओवर द प्रीवियस ईयर मैक्सिमम है उस ईयर इंपोर्ट में कितना इंक्रीज हुआ, उस ईयर में इंपोर्ट में इंक्रीज हुआ ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विटनेस द मैक्सिमम फॉल इन एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, इट्स वेरी इजी, क्योंकि एक ही बार फॉल हुआ है एक्सपोर्ट में, हालांकि इंपोर्ट में भी फॉल, वैसे तो शुरू में भी फॉल हुआ है, बट दिस इज वेरी लेस, ये मैक्सिमम फॉल है, ठीक है। सो इट इज़ ईयर 2001, ड्यूरिंग विच ईयर देर वॉज मैक्सिमम इंक्रीज इन इम्पोर्ट ओवर द प्रसीडिंग ईयर, इम्पोर्ट का पिछले साल से मुकाबले कब ज़्यादा हुआ। देखो भाई ये तीन साल है इंक्रीज वाले, 1 2 3, इन तीनों में ही आंसर आएगा, 97 98 और 2000, ठीक है। तो 97 98 2000, 99 तो बाहर हो गया। अब क्या देखेंगे कि यहाँ भी 10 इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 10 इंक्रीज हुआ, और यहाँ भी मोटा मोटा 10 ही इंक्रीज हुआ है, पर ये 10 जो इंक्रीज हुआ था ये हुआ था 70 पे, ये 60 पे और ये 50 पे, तो ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज इसका माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस सबसे छोटा है, तो 97 शुड बी द आंसर, ठीक है भाई लोग, समझ में आया, यू गॉट इट और नॉट, वेरी गुड, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है। इफ़ ट्रेड बैलेंस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज इक्वल टू, व्हाट इज़ द नेट ट्रेड बैलेंस फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू, इस पूरे पीरियड में नेट ट्रेड बैलेंस कितना था सभी का जोड़। अब इस सभी के जोड़ को करने के लिए तीन मेथड हैं, एक तो भाई इन सभी वैल्यूज़ को जोड़ दो और उसमें से ये सभी वैल्यूज़ माइनस कर दो, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो 1 2, ये भी 2 हो गया, ये भी मोटा मोटा 2, ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, ये 2.5 हो गया, अब ये 2 ही है, बट दिस बिकम्स 1 एंड 2 और थोड़ा ज़्यादा, तो ये 2 2, ठीक है, और ये भी 2.5 है, राइट, एक ये पूरा है कि ये पूरा आधा, ये तो ये 2.5 2.5 और 1 2 3 4 4.5, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 3, 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 4 20, 21.5 चेंज हुआ है, राइट, ईच वन इज इक्वल टू 20, 430 के पास में है कोई ऑप्शन, राइट। अब हमारे पास 243 तो नहीं हो सकता, 370, या तो 455 होगा या 483 होगा, हम दोबारा से देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा प्लस माइनस क्या है। सो दिस इज़ 2 3 4, ये सारा वही आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 3 आधे 21.5 गुना 20,
430 के पास में नियरेस्ट कौन सा है, सो विल गो अहेड विद 455 एज द आंसर, क्योंकि ये ज़्यादा पास में है ना, और जो 374 है ये दूर है, और वैसे भी डेफिशिएट तो है ही नहीं है, इट इज़ ए सरप्लस, राइट, क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है, तो डेफिशिएट वाले तो वैसे ही बाहर हो गए, तो इन दोनों में वी हैव वेरी क्लियर दैट यू नो वन टेबल इज इक्वल टू 20, सो थोड़ा थोड़ा भी चेंज करेंगे आ जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात, ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, इफ टोटल ट्रेड डिफाइंड इन द एडिशन टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन द ईयर व्हेन टोटल ट्रेड वॉज मैक्सिमम, टोटल ट्रेड इज डिफाइंड एज दोनों का सम करके जो मैक्सिमम उस साल क्या रेशो था, अब देखो भाई किस साल मैक्सिमम रेशो था, इन दोनों में से ही आ सकता है, ठीक है, इससे ये ज़्यादा, तो दिस इज द ईयर विच हैज़ द मैक्सिमम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो ये हो गया 180 रेशो, रेशो ऑफ एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट है, तो ये नहीं होगा, ये होगा, राइट, डेफिशिएट मतलब कम कितना है बेटा, ठीक है, तो इसीलिए ट्रेड बैलेंस देखना है हमने, तो ट्रेड बैलेंस हमारा सरप्लस आएगा इसमें, गॉट इट एवरीवन, वेरी गुड, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट सेट, कितने ठीक हुए इसमें से वो भी बता सकते हो आप, ये देखने में बड़ा आसान लग रहा है ये क्वेश्चन, पर बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है, इससे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा मैं आपके, टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये सेल्स पर यूनिट दिया हुआ है, सेल्स यूनिट, ये सेल दी हुई है, ठीक है, 1000 रुपीज़ में, जैसे ये वाला वैल्यू है तो ये 100,000 सेल हो गई, और यूनिट सेल हुए 700, तो जो प्राइस निकलेगा वो प्राइस कैसे निकलेगा, ये मेरा टोटल सेल हो गया डिवाइड बाई 700, 200 कट गई, तो अराउंड 141 रुपीज़ प्राइस आ गया, 142 रुपीज़ प्राइस आ गया अप्रॉक्सीमेटली इस यूनिट का। अब यहाँ मेरा क्वांटिटी तो बढ़ी पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जैसे ये हो गया हमारा, हो गया अराउंड 350 और ये हो गया 800, तो 350 × 000 / 800 ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3500 / 8, 8 × 32, 400 कुछ रुपये हो गया प्राइस, ठीक है, लेट अस से 112, यहाँ 142 था प्राइस, तो 412 हो गया, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी है, और ये मेरा अप्रोक्सीमेटली 3.5 गुना बढ़ गया सेल, ठीक है, क्वांटिटी नहीं ज़्यादा बढ़ी, तो ऑब्वियसली प्राइस पर यूनिट बढ़ा होगा, मैक्सिमम परसेंटेज राइज, प्राइस राइज, प्राइस में राइज कब हुआ ये पूछ रहा है हमसे, तो सबका प्राइस निकालेंगे भैया पहले, तो ये आ गया हमारा 550 और ये 900, तो 550 / 9, तो ये आ गया 9 × 54, तो 9 × 54 से 611 अप्रोक्सीमेटली, अब इसको ले लीजिए आप 600 और ये 850, तो ये आ गया 6000 × 8.5, 8 × 7 = 56 और ये 7 आ गया, 700 रुपये आ गया अप्रॉक्सीमेटली, और ये 700 और ये 1000, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपये ही रहा यहाँ पे, और दिस बिकम्स 1200 और ये हो गया 1100, तो ये प्राइस आ गया आपका 1100 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेट प्राइस लिखे हैं, ठीक है, तो आप पूछ रहा है कि भाई परसेंटेज राइज इन प्राइस,
यही बनेगा ना परसेंटेज राइज इन प्राइस, तो तीन गुना के पास में हो गया प्राइस हमारा, तो यही आ गया 9088 हैज द हाईएस्ट परसेंटेज प्राइस राइज। मैक्सिमम प्राइस राइज परसेंटेज राइज इन सेल्स, सेल्स में सबसे ज़्यादा परसेंटेज राइज कितना हुआ, सेल्स में भी यही होगा, क्यों, क्योंकि 100 से 350 हो गई, 9088 हो गया। प्राइस क्रॉस्ड 200 मार्क इन 1988, सभी क्वेश्चन का आंसर 1988 ही आ रहा है। ओवरऑल सेल्स एप्रिसिएशन ड्यूरिंग 87 से 92 तक कितनी ओवरऑल सेल होगी, 1000 से 1200 हो गई, तो ओवरऑल सेल्स पूछ रहा है ना 99 में, तो 100 से हो गई वो 1200, तो बेटा जी 1100% इंक्रीज हो गया। एवरेज नहीं पूछा, एनुअल नहीं पूछा, ओवरऑल पूछा है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। मैक्सिमम एब्सोल्यूट इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज वाज इन द ईयर, सो वो आई थिंक ये ईयर आएगा, इस ईयर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1200 1000 का और यहाँ 700 500 का चेंज आया इधर, सो इट हैज़ टू बी 92। दो क्वेश्चन इजी थे, दो थोड़े से चैलेंजिंग थे, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस 200 रुपये से ज़्यादा कब हुआ, 98 में ज़्यादा हुआ, 87 में तो कम था, राइट 87 में तो थोड़ा कम था, ये अप्रॉक्सीमेटली ले रहे हैं हम, वी आर नॉट टेकिंग द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके नेक्स्ट सेट, अब ये थोड़ा सा मज़ेदार है, इसमें आपके चार ग्राफ हैं और क्वेश्चन भी आपके दो ही हैं, ठीक है। तो कैट में ऐसा आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्वेश्चन कम हो जाते हैं और आपका जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ग्राफ्स ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जितने ग्राफ होंगे उतनी वैल्यू के साथ पंगा लेना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में ओवरऑल सेल्स एप्रिसिएशन, ओवरऑल सेल्स मीन्स, अच्छा अगर यूनिट्स लेंगे तो अलग आंसर आएगा, तो 700 से अगर देखेंगे ना तो 700 से सेल जो है वो हमारा 1100 हो गया, तो 400/700, तो ये भी तो नन ऑफ दीज ही आएगा फिर भी। वैसे ओवरऑल सेल्स मतलब टोटल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ओवरऑल सेल्स मीन्स ओवरऑल, वी डोंट टेक द वॉल्यूम, अगर उसने दिया हो सेल्स यूनिट तो लिखेंगे। हाँ ठीक है, बट वी विल टेक द सेल्स ऑफ वैल्यू, जहाँ पे हमें सेल्स मीन्स टोटल वैल्यू, वेयर एज क्योंकि देखो ना जब मैं सेल वैल्यू वाली लेता हूँ तो मेरा प्राइस इंक्रीज भी आ गया, वॉल्यूम इंक्रीज भी आ गया, बट अगर खाली वॉल्यूम ले लिया तो मेरा वॉल्यूम इंक्रीज ही आया, प्राइस का इंक्रीज को फैक्टर इन नहीं किया। टेंथ का आंसर डी है, दोनों ही केस में डी है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये ग्राफ क्या शो करता है, नंबर ऑफ फॉरेन कंपनीज देयर मेजर, ये देखो कैट लेवल नहीं है अभी मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करो फिर कैट लेवल आएगा, मैं सीधा कैट लेवल पे ले जाऊँगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी बहुत सारे लोगों को, ठीक है। जिन लोगों को सीधा ही कैट लेवल करना है ठीक है भैया वेट करो थोड़ा सा, नेक्स्ट क्लासेस जो आएंगी देयर वी विल गो कैट लेवल। ये मिडल सा लेवल है हा? बट इसमें भी सारे कहाँ ठीक हो रहे हैं आपके। न्यू फॉरेन कंपनीज फ्रॉम द मेजर कंट्रीज इन्वेस्टेड इन इंडिया ओवर 96 से 95, ये अलग अलग ईयर्स का दिया हुआ है, पहले जो है ये 10-10 साल के बाद दिया, फिर 5-5 साल के बाद और फिर हर साल दिया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इट इज़ नॉट सेम। विच कंट्री कॉन्ट्रीब्यूटेड द हाइएस्ट न्यू एंट्रेंट्स बिटवीन 1985 एंड 1991,
85 से लेके 91 तक न्यू एंट्रेंस नई कंपनी कौन सी थी? सो 85 टू 91 तो हम इसको यहाँ तक लेके चलेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ का सम, इसका इसका और इसका, ठीक है, और इधर में 85 ये तीन वैल्यू, और इसके बाद तो यहाँ से देखो मोटा मोटा कि भाई 150, 150, 300 और एक 400 हो गया यूके का, और इधर 200 और 300 500 हो गया, और ये 300 और 175 नहीं 190 290 और 175 465 हो गया, वेरी क्लोज, और ये तो बहुत कम है, तो यूएसए हो गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज एज फॉलोज। इसके बाद फिर और क्वेश्चन फॉलो करेगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या बताना चाहते हैं कि भाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वैल्यूज एंड द ईयर्स, वी कॉल इट एज लेबल्स। तो लेबल का ध्यान रखना रहता है किस ईयर में कैसे। अब क्वेश्चन बन भी सकते हैं, अब जैसे इसने नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन बनाया हुआ, ये फिर कैट लेवल क्वेश्चन बन जाता है कि यूएसए का 35 करोड़ है, राइट, हर एक कंपनी का, यूके का, तो 94 में विच कंट्री हैज हाईएस्ट शेयर, राइट, या किसी भी एक का शेयर पता करें, है ना, इफ दीज आर द ओनली फोर कंपनीज। और उसने बोला है कि हर कंपनी का 35 करोड़ है, तो यूएसए का कितना है भाई, 340, तो 340 × 35 ये यूएसए की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो ये 17 × 7 1190 आ गया, 119 आ गया, ठीक है, ये यूएसए का इन्वेस्टमेंट आ गया। अब यूके का क्या है, 200 है, और साइज क्या है, 45, 200 का 45, तो ये 90 आ गया। जापान का है 40, और इधर है 135, 135 का 40 आ गया, तो 54 आ गया। जर्मनी का है 200 और 35, 200 का 35, सो इट कम्स आउट टू बी 70। टोटल करेंगे टोटल आ गया 3, 10 और 12, 23 और 3, 3, 3 इज द टोटल वैल्यू। एंड आउट ऑफ दैट आप हर एक का शेयर अगर वो परसेंटेज में पूछता है, दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट, राइट, बिकॉज इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 27%, अप्रॉक्सीमेटली, राइट, इट विल बी 16%, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 21%, इट विल बी 36%, तो ये इनका अप्रॉक्सीमेट शेयर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर वो ट्रू फॉल्स भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ यूएसए इज ऑलमोस्ट सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ जर्मनी एंड जापान, जर्मनी और जापान की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका अप्रॉक्सीमेटली दैट इज इक्वल टू द यूएसएज इन्वेस्टमेंट, या वो ये कह सकता है कि भाई यूएसए का इन्वेस्टमेंट 1/3 से ज़्यादा है या कम है, या यूके का इन्वेस्टमेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 और जापान हैज़ द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट। सो कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसको कैलकुलेशन को लेके, राइट। सो ये हमारी एवरेज कंपनी की इन्वेस्टमेंट दी हुई थी, तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर, ये मैं आपको बता रहा था कि भी कैसे ग्राफ टू ग्राफ कितना ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ सकता है आपका,
तो जब हम हाई लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे तब इन इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे जहां हमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना होगा। हालांकि कैट बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला देता नहीं है, हालांकि जो आपका आईएफटी है और जैट है इसके जो डीआईएलआर आता है वो थोड़ा गंदा आता है, वो थोड़ा हाई लेवल वाला आता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखने में गंदा लग रहा है बट फटाफट फटाफट निकलेगा, सातों के सातों क्वेश्चन कर दीजिए फटाफट। ये 7 महीने हैं अंडर रिव्यू और ये 3 ईयर्स का हमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, 3 ईयर्स का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और वैल्यूज आर इन थाउजेंड्स और टेंस ऑफ थाउजेंड्स, नो थाउजेंड्स ओनली, वैल्यूज इन थाउजेंड्स। वो कई बार कट जाता है, लेबल दिया नहीं हुआ, अदरवाइज एग्जाम में आपको दिया लेबल दिया नहीं हुआ, कट गया यहाँ पे, तो वैल्यूज इन थाउजेंड्स। तो 97 कौन सा, ये रहा, इसका क्या पूछा है भाई इसने, 97 का टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, तो इसको टोटल कर देंगे, ठीक है। तो ये एवरेज ले लो आप, ठीक है, ये 5 का है ना, एक डब्बा 5 का है, 1 डब्बा इज ऑफ 5, ठीक है, यू कैन टेक 300 एज एवरेज, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है। अब ये 6 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, 24 ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2124 आंसर आ गया, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन मेड इन 97 एंड द पीरियड ओवर कवर्ड ऑफ द ग्राफ, व्हाट टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन मेड ड्यूरिंग द ईयर 97 एंड 98 इन द पीरियड कवर्ड इन द, ठीक है, 97 का तो टोटल निकाल ही लिया अभी हमने, अब 98 का भी टोटल निकाल दो और उसमें जोड़ देंगे, 98 ये आ गया आपका, 98 ये आ गया, अब इसमें से वही है 300 ले लो इसको, 6 6 12 12 और 12 24, 24 और 18 42, 42 और 12 24 और 18 42, 42 और 12 54, तो 2154, तो 4278 आ गया है, कोई 4278 ये आंसर पड़ा है, सीधा सम ही करना है ना, व्हाट इज़ द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, एवरेज पूछा है, 99 का एवरेज निकालना है हमने, तो 99 का एवरेज निकालना है, 99 का, वैसे भी देखो यार मिनिमम वैल्यू कितना है, 99 कौन से वाला है, ये वाला है 312 है, 300 तो कोई भी कम नहीं है, तो ये दोनों तो एवरेज हो ही नहीं सकते, ये भी एवरेज नहीं हो सकते, आंसर आ गया, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, जब कोई भी वैल्यू 300 से कम नहीं है हरे वाले का, तो भाई वो टोटल कैसे कम आ जाएगा। विच मंथ हैज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव ड्यूरिंग 1999, लीस्ट एक्सपेंसिव कौन सा था 99 में, तो ये हमें पता नहीं है कौन कौन से महीने दिए हुए हैं, बट फिर भी मान लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, राइट। विच मंथ हैज़ बीन द लीस्ट एक्सपेंसिव ड्यूरिंग 1999 के ड्यूरिंग, ग्रीन वाले के ड्यूरिंग सबसे एक्सपेंसिव मई था, मई आंसर आ गया। द एक्सपेंसिस ऑफ अप्रैल 1990 वॉज दैट हायर देन द क्रॉसिंग पीरियड इन 98, ये अप्रैल आ गया, 99 ये है और 98 ये है, इससे कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, कितने से, 312 से, अप्रॉक्सीमेटली 2%। द एक्सपेंडिचर ऑफ मई 97, मई 97 ब्लू वाला 300 वॉज लेस देन द क्रॉस 99, इससे कितना ज़्यादा है, कम है, ये भी 2% आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑफ मई और जून वॉज हायर देन दैट ऑफ द क्रॉसिंग पीरियड ड्यूरिंग 1985, 1985 तो आ ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही गलत है, मई एंड जून होना चाहिए, मई एंड जून 98, मई एंड जून 98 618 और 618 और ये ले लीजिए आप 97 का, तो 1997 आना चाहिए आप, तो ये आ गया 618
606, 12 ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 2%। और अगर 1998 ले लेंगे तो 0% आ जाएगा, क्योंकि सेम आ जाएगा ना दोनों का। सो ओके गाइस, इट वॉज ईजी क्वेश्चन, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस।